Hello everyone, in this video you will get to know what is character set and which character set is used by Python. Character set kya hota hai aur Python kaun sa character set use karti hai, okay? Jitni bhi programming language hoti hai wo kisi na kisi character set ko follow karti hai, use karti hai, fine. To character set kya hai? Character set ek group hai characters ka, right? Aur jo bhi language ek particular character set ko follow kar rahi hai, use kar rahi hai, wo usi character set ke characters ko apni programming mein use kar sakti hai. जैसे आप एग्जाम्पल लो HTML का, HTML में आप एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हो, आप सर्कुलर ब्रैकेट्स यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसकी जो करेक्टर सेट है उसमें एंगुलर ब्रैकेट्स दिए गए हैं, ओके, बट सर्कुलर ब्रैकेट्स को डिफाइन नहीं किया गया है, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं, अ करेक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज इज द रेंज ऑफ परमिसिबल करेक्टर्स. करेक्टर सेट किसी भी लैंग्वेज क्या है, उसमें दिए गए कुछ करेक्टर्स हैं जिनको परमिशन दी गई है यूज होने की, डेट कैन बी यूज इन अ प्रोग्राम रिटन इन डैट लैंग्वेज. मतलब उस करेक्टर सेट में जो भी करेक्टर्स दिए गए हैं वो पर्टिकुलर लैंग्वेज वो उसी करेक्टर उन्हीं करेक्टर्स को यूज कर सकती है, ओके, वो उसके बाहर के करेक्टर्स को यूज नहीं कर सकती, फाइन. तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो एक पर्टिकुलर करेक्टर सेट को फॉलो करती हैं, और उस करेक्टर सेट में जितने करेक्टर्स दिए गए हैं सिर्फ वो लैंग्वेज सिर्फ उन्हीं करेक्टर्स को यूज कर सकती है, उससे बाहर के करेक्टर्स को यूज नहीं कर सकती, राइट? नाउ पाइथन सपोर्ट्स ऑल ASCII एंड यूनिकोड करेक्टर्स. पाइथन जितने भी ASCII करेक्टर्स हैं, ओके, एंड यूनिकोड करेक्टर्स हैं, सबको सपोर्ट्स कर सबको यूज करती है, सबको सपोर्ट करती है पाइथन लैंग्वेज, विच इंक्लूड द फॉलोइंग करेक्टर्स. इसके अंदर आपको दिया बताया गया कि क्या क्या इंक्लूड करता है पाइथन लैंग्वेज में, कौन कौन से करेक्टर्स इंक्लूडेड हैं. अल्फ़ाबैट्स, इसके अंदर सारे अल्फ़ाबैट्स आते हैं, ऑल कैपिटल अल्फ़ाबैट्स एंड स्मॉल अल्फ़ाबैट ए टू जी, राइट? ऑल द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, ओके, स्पेशल सिंबल्स. और पाइथन सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ स्पेशल सिंबल, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्पेशल सिंबल्स पाइथन सपोर्ट करती है, लाइक आपका प्लस माइनस, ओके, आपके सर्कुलर ब्रैकेट्स, आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड लॉट्स ऑफ सिंबल्स, राइट? ओके, वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस लाइक टैब स्पेस. वाइट स्पेसेस कौन सी होती है? वो कीज, ओके, जो जब आप प्रेस करते हो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, फाइन. लाइक आपका टैब हो गया, टैब से क्या होता है, स्पेस मिल जाता है, बट इट डजंट प्रिंट एनीथिंग, ओके, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स, राइट? ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन या कैरीज रिटन व्हेन यू प्रेस द एंटर इट इज कॉल्ड एज कैरीज रिटन, ओके. तो ये जितने भी है स्पेसिस, ब्लैंक स्पेस, राइट, इन सबको सपोर्ट करती है पाइथन लैंग्वेज. अदर ऑल ASCII एंड यूनिकोड करेक्टर्स आर सपोर्टेड बाई पाइथन. पाइथन सारे के सारे जो ASCII करेक्टर सेट के अंदर करेक्टर्स दिए गए हैं एंड यूनिकोड में जितने भी करेक्टर्स दिए गए हैं सबको सपोर्ट करती है, सबको यूज करती है. डेट कॉन्स्टिट्यूट द पाइथन करेक्टर सेट. पाइथन का करेक्टर सेट मीन्स बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, जिसके अंदर सारे ASCII करेक्टर्स भी आते हैं और यूनिकोड के भी करेक्टर्स आते हैं. अभी मैं आपको इनका भी डिस्क्रिप्शन दूंगी कि ASCII करेक्टर सेट क्या है और यूनिकोड करेक्टर सेट क्या है. इससे पहले हम क्या करते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं करेक्टर सेट का, ओके? अब देखो पाइथन में मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रही हूं. मैंने यहां पे प्रिंट कराया, प्रिंट वेलकम टू पाइथन क्लास, ओके, एंड देन प्रेस एंटर. अब यहां पे देखो, यहां पे ये क्या कर रहा है, कैपिटल लेटर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, राइट? यहां पे देखो W क्या है, कैपिटल है आपका, स्मॉल लेटर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, ये डबल कोट्स आपने दिया उनको भी सपोर्ट कर रहा है, फाइन. अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. क्यों? क्योंकि ये जितने भी करेक्टर्स है पाइथन के करेक्टर सेट में आते हैं, राइट? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ए, उसको दे दी मैंने वैल्यू 20, देन मैंने बी ले लिया, उसको मैंने वैल्यू दे दी 90, देन आई डिड ए प्लस बी, ठीक है. अब देखो प्लस ऑपरेटर है, इसको भी ये सपोर्ट करेगा, आपके पास आंसर आ गया. आ गया तो ये क्या है, जितने भी यहाँ पे आप करेक्टर्स यूज कर रहे हो इनको पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है, ओके. सो यू कैन यूज दीज करेक्टर्स इन द पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट?
द एस्की करेक्टर सेट. एस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. एस्की वो करेक्टर सेट है जिसको अर्ली 90s में इन्वेंट किया गया था, डिजाइन किया गया था इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अमंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए एस्की का इन्वेंशन किया गया था, और यू कैन से उसको डिजाइन किया गया था. इस करेक्टर सेट को डिजाइन किया गया था, राइट. इट वॉज डिजाइंड इन द अर्ली 60s एज अ स्टैंडर्ड करेक्टर सेट फॉर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ओके, तो कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए एस्की को डिजाइन किया गया था, राइट. एस्की इज अ 7-bit करेक्टर सेट कंटेनिंग 128 करेक्टर्स. ओके, तो एस्की जो करेक्टर सेट है उसके अंदर टोटल 128 करेक्टर्स हैं. ओके, एंड ईच करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 7-bit. ठीक है, जितने भी करेक्टर्स हैं, मान लो ए है, राइट, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को, इसको 7-bit का ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, राइट. ओके, और बिट्स आपको पता है 0 and 1 आर कंसिडर्ड एज बिट्स, राइट. Now, it contains the number from 0 to 9. इसके अंदर 0 to 9 numbers हैं. The upper and the lower case English letter from A to Z, और upper and lower case letters हैं, alphabets हैं, and some special characters. और ये कुछ special characters भी contain करता है, right? ASCII is the most common character encoding format for text data in computers and on the internet, right? तो जब यूनिकोड नहीं था करेक्टर सेट, उससे पहले ASCII का ही यूज किया जाता था टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए इंटरनेट पर, फाइन, और टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए कंप्यूटर्स में. ओके, द यूनिकोड करेक्टर सेट. द यूनिकोड कंसोर्टियम डिवेलप्स द यूनिकोड स्टैंडर्ड. यूनिकोड कंसोर्टियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिकोड करेक्टर सेट को डिवेलप किया, और यू कैन से यूनिकोड स्टैंडर्ड को डिवेलप किया, राइट. द यूनिकोड कंसोर्टियम प्रोवाइड्स अ लार्ज सिंगल करेक्टर सेट. यूनिकोड कंसोर्टियम ने क्या किया, एक बड़ा और एक सिंगल करेक्टर सेट प्रोवाइड किया लोगों को, दिया लोगों को. ओके, डेट डिफाइंस ऑल द करेक्टर्स, जिसके अंदर वो सारे करेक्टर्स थे नीडेड फॉर राइटिंग द मेजॉरिटी ऑफ लिविंग लैंग्वेजेस इन यूज ऑन कंप्यूटर, राइट. तो यूनिकोड कंसोर्टियम ने क्या ट्राई किया, उन्होंने एक सिंगल और बड़ा करेक्टर सेट बनाया. ओके, जो क्या कंटेन करे, ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस के जितने भी करेक्टर्स हैं, उन सारे करेक्टर्स को कंटेन करे, राइट, वो लैंग्वेजेस जिनको आप कंप्यूटर पे यूज करते हो. अंडरस्टूड. यूनिकोड कंसोर्टियम ने यहाँ पे क्या किया है, एक ऐसा करेक्टर सेट डेवलप किया है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को कंप्यूटर पर, और यू कैन से बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग कर सकें. ओके, द यूनिकोड करेक्टर सेट इंक्लूड करेक्टर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लिविंग लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. तो यूनिकोड करेक्टर सेट में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके करेक्टर्स हैं. ओके, इट इंक्लूड्स करेक्टर्स फ्रॉम ऑल द लैंग्वेजेस, फाइन. द यूनिकोड स्टैंडर्ड कवर्स ऑलमोस्ट ऑल करेक्टर्स. तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे करेक्टर्स आते हैं, पंक्चुएशंस आते हैं, सिम्बल्स आते हैं इन द वर्ल्ड, एंड इनेबल प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज. तो यूनिकोड करेक्टर सेट जो आपका डिवेलप हुआ है, उसका क्या पर्पस है, उसका ये पर्पस है कि आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख सकें और उसको आप कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकें, राइट. और वो टेक्स्ट क्या होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, मतलब आप उस टेक्स्ट को किसी भी डिवाइस में चला सकते हो, राइट, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, और किसी भी हार्डवेयर का यूज करके आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, फाइन. जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट में क्या होता है, यूनिकोड का यूज किया जा रहा है. क्यों? जिससे कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके किसी भी लैंग्वेज में, राइट. यूनिकोड यूजेस टू एनकोडेड फॉर्म्स, 8-bit एंड 16-bit. अब यहाँ पे हमने ASCII देखा था 7-bit, उसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती थी, 7-bit में, राइट. तो यहाँ पे यूनिकोड 8-bit में भी स्टोर करता है, 16-bit में भी स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ द डेटा डैट इज बींग एनकोडेड. ओके, तो ये डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि वो 8-bit में स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को या 16-bit में. द डिफॉल्ट एनकोडिंग फॉर्म इज 16-bit, व्हेन मोस्टली वो 16-bit में ही एक पर्टिकुलर करेक्टर को स्टोर करता है, वे ईच करेक्टर इज 16-bit वाइड.
ओके यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ASCII क्या करता है, एक करेक्टर को 7 बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, और यूनिकोड क्या करता है, एक करेक्टर को 16 बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है. फाइन. और पाइथन लैंग्वेज यूनिकोड एंड ASCII करेक्टर सेट के करेक्टर्स को यूज करती है. ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.